प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत दिवाली गंगा चैनल पर यूपी टेट से संबंधित आज हमारी तीसरी क्लास है। हाँ, इसके पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी कारण के जो हमारे अक्षर बोर्ड के थे वो स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, तो वह ऐसा होता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वहाँ पर समस्या आ गई, तो आज यह समस्या सुधर गई है। हाँ, इसके पहले तक हमने स्वर की चर्चा कर ली, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। आज क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा है अन्वग। व्यंजन की परिभाषा क्या है? अन्वग भवति इति व्यंजनम्, यह परिभाषा है कि अर्थात जिसका उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से न हो ऐसे वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वर की चर्चा हो गई कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और आपको इस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी या इस समझदारी के साथ कराई जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। यदि आपका यह सब्जेक्ट ना हो फिर भी आप जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा कि ताकि आप इसमें अपना बेस्ट कर सकें। तो व्यंजन की परिभाषा, इसके पहले के वीडियो देखिए, सारी चीज़ें क्लियर है। व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम, जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से होता है ऐसे वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब व्यंजन जो है हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र में तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। और उसी प्रकार में पहला हमारा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। उसी प्रकार में क्या है कि पहला हमारा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। इसके लिए सूत्र आता है कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। यह सूत्र बताता है कि क आदि से म अवसान तक जितने भी वर्ण हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। तो क आदि का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, ङ, उसके बाद च, छ, ज, और उसके बाद झ, य। इसी तरह से सभी जो है ये क आदि है, ये क्या है? आदि मतलब प्रारंभ, इसीलिए बन गया कादयो। क्या बन गया? कादयो, ट, ठ, ड, ढ, ड, ट, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हम आपको म अवसान माने म समाप्ति तक, ये म समाप्ति है, ये म क्या है? समाप्त। क आदि से लेकर म अवसान तक जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श का परिभाषा है कि वर्णों के उच्चारण में जब हमारी जिह्वा तालु को, दांत को, मूर्धा को स्पर्श करती है, तो अर्थात विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसके अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? और इसी में आपको कभी कभी हम कवर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवर्ग। तो कवर्ग का अर्थ हो गया क, ख, ग, घ, ङ। कभी हम बोलेंगे चवर्ग, कभी हम बोलेंगे टवर्ग। सारा अर्थ होगा कि उस वर्ग का। किस वर्ग का? ट वर्ग का, ट, ठ, ड, ढ, ढ होगा। च वर्ग का, च, छ, झ, झ होगा। हम कहेंगे क वर्ग, तो आपको इन पांच अक्षरों का ज्ञान हो जाना चाहिए। हम बार बार क, ख, ग, घ, ङ नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे क वर्ग। क्लियर हो गया? इसी तरह त वर्ग होगा और इसी तरह प वर्ग होगा। पांच वर्ग होते हैं, इन पांच वर्ग में प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच।
वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा। जब हम कहेंगे कि वर्ग के दूसरे अक्षर तो क छ ठ ठ फ बोध होगा, वर्ग के तीसरे अक्षर ग ज ड द ब बोध होगा। वर्ग माने इन सभी वर्गों के तीसरे अक्षर, ये परिभाषिक शब्द है। अर्थात आप ये देखिए सूत्र शैली है, पाणिनि का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सूत्र शैली है। तो सूत्र शैली क्या होती है? बड़े से बड़े शब्द को संक्षेप में कहना। तो क वर्ग में पांच वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर हैं, तो पांच गुणे पांच करेंगे तो हो जाएगा 25। अब पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। हम प्रश्न भी बताते चल रहे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे व्यंजन की तरफ, और दूसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। दूसरा हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्मी, ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में हमारे मुख से गर्म वायु निकले। कौन सी वायु? गर्म वायु निकले। गर्म वायु कैसे निकलती है? कि इतना रगड़ करके वह वायु गले से आती है कि वह गर्म हो जाती है। और इसके लिए शॉर्ट में याद करना हो, शलश्च शलश्च उष्माण, अर्थात सल प्रत्याहार में पढ़े गए। आपको आगे प्रत्याहार बताया जाएगा, अगर नहीं जानते हैं। सल एक प्रत्याहार है, सक्सर और हल के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तीनों श आएंगे, तालब, मूर्धन्य, दंतेश और ह। यह वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा गया। इनकी संख्या कितनी है? तो पूछ देगा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या ऊष्म व्यंजन है, प दे देगा, फ दे देगा, ब दे देगा और एक दे देगा, तीनों श, ये श दे दे चाहे ये श दे दे चाहे ये ह दे दे, तो आपका विकल्प ये वाला सही होगा। या निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है, तो श श श एक कोई वर्ण स्पर्श व्यंजन में से दे देगा, तो जो स्पर्श व्यंजन में से देगा वह विकल्प सही। ये प्रश्न की प्रकृति है, स्वभाव है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये तीसरा प्रकार है। ये क्या है? तीसरा प्रकार है। यह हो जाएगा यड़ो अंतस्था। क्या हो जाएगा? यड़ो अंतस्था, अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या हैं? अंतस्थ है। तो यण प्रत्याहार में है वर्ण के यश स्टार्ट करेंगे, लड़के ल तक जाएंगे, य व र ल, यह वर्ण क्या हैं? अंतस्थ है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। पूछेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, इनका उच्चारण गले के नीचे हो जाता है, जो हमारे गले का उठा हुआ भाग है उसके नीचे इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसे अंत है माने अंदर, अस्थ माने स्थित, जिस व्यंजन का उच्चारण हो जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यह हमारे व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में तीन प्रकार के व्यंजन माहेश्वर सूत्र में मिलते हैं। एक चौथे प्रकार का भी व्यंजन मिलता है, वह है संयुक्त व्यंजन। वह क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त शब्द से ही लग रहा है कि यह जो है किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बनेगा, जैसे क और श मिलकर क्या बन जाते हैं? छत्री वाला छ। उसके बाद त प्लस र मिलकर बन जाता है त्रिशूल वाला त, और ज प्लस यह मिलकर बन जाता है ज्ञानी वाला ज्ञ। यह संयुक्त व्यंजन है।
कभी कभी पूछ देगा क श मिलकर होगा, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज, यह जो य व र ल हैं इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह ना तो व्यंजन है ना तो स्वर है, यह आधे स्वर है और आधे व्यंजन है। इसकी चर्चा जब संधि में होगी वहाँ पर चर्चा करेंगे आखिर यह स्वर कैसे है। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने व्यंजन को जाना, अब जो है इसके बाद ये व्यंजन की विशेषता थी। हमने अलग अलग पाठ में बताया कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन सूत्र था कादयो मा अवसाना, क आदि से म अवसान तक या क आदि से म समाप्ति तक जितने भी वर्ण आते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करके निकलती है। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन पढ़ा। ऊष्म व्यंजन की विशेषता थी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकले या रगड़ कर वायु निकलती है तो गर्म होगी, ऐसे वर्ण को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सलश्च उष्माणय, सल प्रत्याहार में पढ़े गए वर्ण क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? चार है। उसके बाद अगला पढ़ा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। यणो अंतस्था सूत्र है कि यण प्रत्याहार में पढ़े गए वर्ण क्या हैं? वह अंतस्थ हैं। इसके अंतर्गत य व र ल आता है, इनकी संख्या चार है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कहा कि इसके अलावा जो है संयुक्त व्यंजन भी होता है और वह संयुक्त व्यंजन छ त्राइज्ञा है। छ जो है क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज जो है ज और य से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? अब हम व्यंजन के भेदों में भागेंगे, आगे और भी इसके विशेष भाग होंगे, उसकी चर्चा हम अब अगले पॉइंट में करते हैं। और अगला ही हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, एक चीज जानने से पहले अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान जानने से पहले उच्चारण स्थान, जैसे हम जिस गांव में पैदा होते हैं या जिस गांव में जन्म लेते हैं तो वह हमारा जन्म स्थान होता, उसी तरह यह वर्ण जहाँ से बोले जाएंगे यह वर्णों का जन्म स्थान कहलाएगा। समझ में आ गया? उच्चारण स्थान माने जो वर्ण जहाँ से जन्म ले, जहाँ से वह बोला जाए, जहाँ से वह ध्वनित तो होता हो, ऐसे वर्ण को वहाँ का वो उच्चारण स्थान माना जाता है। क्लियर हो गया? वर्णों का उच्चारण स्थान पालने से पहले एक सूत्र आता है, वो सूत्र थोड़ा ध्यान रखिए। कू चू तू तू पू एते उदित है, एते उदित है। यह कू चू तू तू पू उदित वर्ण है। क्या है? उदित वर्ण है। प्रश्न बन जाएगा उदित वर्णों की संख्या कितनी है? पांच है। क च ट त प। उदित का अर्थ होता है जिसमें ऊ की इत संज्ञा हुई हो। समझ में आ गया? ऐसे वर्ण को उदित कहते हैं। कू चू तू तू पू में ऊ क्या है? इनकी इत संज्ञा हुई। पूछ देता है उदित वर्णों की संख्या पांच। समझ में आ गया? तो यह बताया क्यों? क्योंकि अब इसका प्रयोग आने वाला है। कू से क्या बोध होगा? कू से क वर्ग का बोध होगा, चू से च वर्ग का बोध होगा, टू से ट वर्ग का बोध होगा, टू से त वर्ग का बोध होगा और पू से प वर्ग का बोध होगा। समझ में आ गया? सूत्र समझ में आ गया? इससे भी प्रश्न बनेंगे कि उदित वर्ण है, उदित वर्णों की संख्या कितनी है? पाँच है। अब हम आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान में और पहला ही सूत्र हमारा हो जाता है अपुह विसर्जनीया नाम अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। यह सूत्र कहता है अ या आ का, अ या आ, अ से क्या बोध हो रहा? अ या आ और क वर्ग का। किसका? क वर्ग का। हमने कहा ना हम बार बार कख ग घ ङ नहीं पढ़ेंगे, आप क वर्ग से पांचों अक्षर समझ जाइए। अ आ का और क वर्ग का और आगे दिया है ह का और विसर्ग का। उच्चारण स्थान क्या है?
कंठ है। क्या है? कंठ। अर्थात इनके उच्चारण में हमारे गले में जो उठा हुआ भाग है वहाँ पर कंपन होता है। अ का, क वर्ग का, ह का विसर्ग क्या है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्लियर हो गया। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। यह बताता है दूसरा सूत्र ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो या, और उसके बाद च वर्ग का, च वर्ग से पांचों अक्षर का बोध होगा, च छ ज झ य। उसके बाद दिया है य का और बड़े स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। किन किन वर्णों का? ई का, च वर्ग का, य और ष का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अगला सूत्र हमारा आता है तीसरा, लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता अर्थात लृ का और त वर्ग का, लृ त वर्ग ल और मूर्धन्य स का क्षमतम दंती स का, लृ तु लसानाम मूर्धा दंती स का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। क्या है? दांत है। अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा हमारे दांत को स्पर्श करके निकलती है। किन किन वर्णों का? लृ का, त वर्ग का, ल का और स का। क्लियर हो गया। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। उसके बाद हमारा अगला सूत्र आएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋ वर्ण का, ऋ से ऋषि, ऋ वर्ण का टू से ट वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग का, र का और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। इसके उच्चारण में जिह्वा पीछे की तरफ मुड़ जाती है, मुड़कर जिस भाग को स्पर्श करती है वह हमारे सिर का मध्य भाग होता है, इसीलिए सिर का दूसरा नाम मूर्धा भी है, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला हमारा पांचवा सूत्र है उपूपध्यमान। उपूपध्यमानी नाम पध्य मानी नाम उपोपध्यमानी नाम ओष्ठौ। क्या है? ओष्ठौ। यह बताता है ऊ का, कौन? ऊ का प वर्ग का, ऊ में क्या जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आएगा, ऊ का प वर्ग का और उपध्यमानी का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। उपध्यमानी एक वर्ण होता है, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे कि वह क्या होता है, तो जहाँ उपध्यमानी की चर्चा होगी वहाँ पर उसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल जानिए ऊ का प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। अर्थात इनके उच्चारण में ओठों की आवश्यकता पड़ती है। और भी कुछ स्वर बच रहे थे तो उसके लिए अगला सूत्र आया ए दैतो। सूत्र क्या है? ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। यह बताता है एत और ऐत का अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। क्यों है? दो दो उच्चारण स्थान हो गए, क्योंकि आप जब गुण संधि पढ़ेंगे अ प्लस ई बराबर ए होता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ है और तालु हो गया। समझ में आ गया। अगला सूत्र हमारा है सातवां ओ दौतो। क्या है? ओ दौतो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम यह बताता है कि ओत और औत का अर्थात ओ का और औ का
हम ओत औत क्यों पढ़ते हैं? एक सूत्र आएगा तपरस तत्कालस, तो जब आप लोग सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से व्याकरण पढ़ेंगे तब वहाँ पर त का अर्थ समझ में आएगा। फिलहाल जानिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ क्यों हो गया? आप जब संधि पढ़ेंगे गुण संधि अ प्लस ओ मिलकर ओ होता है, तो यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान कंठ था, ऊ का उच्चारण स्थान उपोपद्यमानी से ओष्ठ निकला, इसीलिए ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। समझ में आ गया। और एक अंतिम सूत्र हमारा आता है वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। यह बताता है व वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। व वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और